के बेटी जिसके में भुले के के दिखा देगा। अगर खुले आम तौर पर, पर कहता हो तुम्हें हिंदू मारोगे तो मत को हिंदू मारो मुस्लिम मारो सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें हिंद दोस्तों दोस्तों कैसे है? आप सभी लोग वेलकम बैक टू टूर वीडियो तो गाइस आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अपडेट है पूरे सोशल मीडिया से तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग बात करने वाले हैं सीतापुर के बारे में बजरंग मुनि के बारे में जो एक खुद को महाराज बताता है साधु बताता है लेकिन वो काम उसके अलग ही है मुस्लिम महिलाओं को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है तो अभी फिलहाल उसने माफ़ी मांगी है लेकिन चाहे जितनी मर्जी माफ़ी मांग ले जो उसका दिमाग में जो उसके दिमाग में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभ्रद टिप्पणियाँ हैं वो फिलहाल है तो मैं उसकी वीडियो दिखा देना चाहता हूँ दो तीन वीडियो है मैं पहले पहली वीडियो दिखाता हूँ देखना पूरी छेड़ेगा सपा सरकार रही है तो मुल्ला राज रहेगा हमारी बहुत बेटिया प्रताड़ित होगी अगर आप हमारी बेटी को परेशान करोगे तो जिस मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा उसकी बहु बेटी मेरे पास आई है खुला में उसकी बहु बेटी उठा के संगत में ले जाके बलात्कार करवाऊंगा कर वो मुल्ला राज खत्म हो गया तो गई आपने यहाँ पर नोटिस किया जहाँ पर ये भाषण दे रहा है अपना जहर उगल रहा है वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ है भी हैं महिलाओं पर अभ्रट टिप्पणी कर रहा है लेकिन बच्चों को इसका ख्याल नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चे भी वहाँ पर है और उनके माँ बाप भी वहाँ पर है तो माँ बाप रोकने तो सिवा उसकी बातों पर तालियां बजा रहे हैं आप सोच ही सकते हो कि किस तरह से हमारे देश की जो है सोच जा रही है खैर अगली दूसरी वीडियो में भी आपको दिखा देना चाहता हूँ वीडियो गाइस तो पूरी देखना क्योंकि सारा मामला समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर कोई हिंदू या मुसलमान नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं सच और गलत के बात बता रहा हूँ कि सच और गलत तुम्हारे सामने रख रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि सच क्या है और झूठ क्या है तो मैं इस आदमी के बारे में बता देना चाहता हूँ इसका नाम है बजरंग मुनिकर करके नाम है इसका और ये सीतापुर में रहता है तो इसके कई ट्विटर पर भी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट बजरंग मुनिकर करके एक ट्रेंड चल रहा है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बता दूँ डिटेल से ए जी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रोमिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम बट हिज ओल्ड पिक विद सीतापुर एम पी राजेश वर्मा एंड एम एल ए राकेश गुरु दे इज वेरी लिटिल होप तो मैं आपको बता दूं इनकी जो फोटोज हैं राकेश गुरु यानी एमएलए और सांसद के साथ हैं तो आप देख ही सकते हो तो इस आदमी ने एक दो जगह जहर नहीं बुलाई इस आदमी ने कई जगह जहर बुलाया मैं एक और इसकी वीडियो दिखा देना चाहता हूँ एक और वीडियो देखे आप वीडियो पूरा देखना है इसका अगर खुले हाथ का तुम तुम्हें हिंदू मारोगे तुम मतलब मुस्लिम मारोगे तुम किसी लड़के को जब हाथ में पका उसके साथ अत्याचार करोगे तो मैं दस मुस्लिम लड़कियों को लव सनातन में फंसा के अत्याचार करूंगा तो तू जानगढ़ से के अत्याचार करोगे लेकिन मैं खुले आराम कर देना चाहता हूँ कि मैं उठा के ले आऊंगा इसी संगत में अगर किसी मुल्ले ला हो कोई हिंदू मांगने आए तो उसे जूतों से मारना तो गाइस इतना सुनने के बाद एक दो वीडियो नहीं है और भी वीडियोस हैं तो मैं इसको डालूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आ, क्या आप ये वीडियो देखने के बाद इसको माफ़ कर सकते हो क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हो कि ये आगे कुछ ऐसा नहीं करेगा नहीं कर सकते तो मैं इसकी वीडियो दिखा देना चाहता हूँ इसका खुद का ट्वीट आया कि मुझे माफ़ कर दो इस तरह करके तो पहले मैं ट्वीट दिखाता हूँ देन इसकी वीडियो भी आप वीडियो भी ज़रूर देखना और वीडियो में पर एंड तक ज़रूर बदाना नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं दिखाता हूँ ट्वीट में इसने क्या कहा मैं सभी माताओं बहनों से क्षमा मांगता हूँ अगर मेरी किसी भी बात पर उनको ठेस पहुँची हो मैं सभी नारी जाति का सम्मान करता हूँ तो इसकी जो वीडियो है माफ़ी मांगते हैं मैं आपको वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ पहले वो वीडियो देखें सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुँचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं तो गाइज इसी चीज़ को लेकर इसी मुद्दे को लेकर इन तरह के मुद्दे को लेकर मुस्लिमों के लेकर बढ़ रही नफ़रत के ऊपर जो एक पत्रकार है राना यूब तो वह फिलहाल अभी इटली में गई हुई थी तो उन्होंने वहाँ पर भी एक कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया है तो मैं वो ट्वीट भी आपको दिखा दे दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा इटली में इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेस्टिवल के मंच पर राणा अयूब ने दिल्ली में हिंदू महापंचायत में मुसलमान पत्रकारों पर हुए हमलों का मुद्दा उठाया सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो तो गईज ये मुद्दा यहीं पे नहीं उठा ये मुद्दा अमेरिका की सांसद तक उठा है तो मैं वो उससे रिलेटेड जो ट्वीट है मैं आपको वो दिखा देना चाहता हूँ पहले आप वो ट्वीट देखें अमेरिका की मुसलमान सांसद इलहम उमर ने अपने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर आरोप लगाया कि उनके दौर में भारत की मोदी सरकार की आलोचना नहीं की जाती है यहाँ मुसलमानों पर जुर्म किया जाता है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो गई इस पर आपका क्या ओपिनियन अपना ओपिनियन जरूर बताएं तो अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के वैशाली के बारे में जहां पर कुछ कट्टरपंथियों ने जो है भगवा झंडा मस्जिद के बाहर लहराया है मस्जिद से ऊंचा करके तो गई ये एक षड्यंत्र है षडयंत्र ये है कि ये मुस्लिमों को उकसाना चाहते हैं ताकि वे हिंसा पर उतारू हो जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो मैं आपको पहले वो ट्वीट दिखाता हूँ वीडियो बिहार के वैशाली जिला की है जहां हाजीपुर की एक मस्जिद के मीनार से ऊंचा करके भगवा झंडा लगाया गया झंडा लगाने वाले का नाम है राज्य जिसने पूरे जिले में तीस हजार भगवा झंडे लगाने का दावा किया है तो इसकी वीडियो भी आप वीडियो भी देखें तो गाइस पूरे भारत में इस तरह की स्थिति नहीं है कुछ जगह अभी भी अच्छी है जहाँ पर मुस्लिमों का आदर किया जाता है तो मैं उससे रिलेटेड एक बात बताता हूँ आंध्र प्रदेश में मुस्लिम कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी देने का प्रावधान दिया है तो मैं पूरी खबर क्या है पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूँ आंध्र प्रदेश में रमजान के दौरान एक घंटा पहले घर जा सकेंगे मुसलमान सरकारी कर्मचारी आंध्र प्रदेश में मुसलमान सरकारी कर्मचारी रमजान के महीने में एक घंटा पहले ही दफ्तर से घर जा सकेंगे राज्य सरकार ने इस संबंध पर सर्कुलर जारी किया है नए सर्कुलर के अनुसार सभी कर्मचारी शिक्षा और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर दफ्तर स्कूल से रमजान के महीने में एक घंटा पहले घर जा सकेंगे वहीं दूसरी अपडेट के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको वो वीडियो फ़ोटो दिखाता हूँ छियालीस सालों से रमजान में शहरी के लिए रोजेदारों को जगाता है हिंदू परिवार तो गई ये दस परसेंट ही ऐसे कट्टरपंथी है जो इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं और बाकी सारे अच्छे हैं मेरे खुद के जितने दोस्त हैं नब्बे परसेंट मेरे दोस्त हिंदू हैं इस तरह से सोशल मीडिया खोल के देखता हूँ तो लगता है कि हिंदू मुसलमान हो रही है और अपने गाँव में जा के देखता हूँ अपने पड़ोसी से मिल करके देखता हूँ तो लगता है कि यहाँ ही पर भाईचारा है कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो आप भी सोच सकते हो कि कहाँ पर नफरत पहुँच रही है सोशल मीडिया का जरिया है जहाँ पर से नफरत चालू हो रही है खैर अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले बिहार के ही बारे में वहाँ पर एक पुल जो है दिन दिहाड़े चोरी हो जा पूरा मामला क्या है मैं आपको एक ट्वीट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा बिहार में पुल चोरी हो गया है वो भी दिन के उजाले में सबके सामने साठ फीट लंबा लोहे का पुल चोरी का लाइव फुटेज भी मौजूद है लोग चोरों ने खुद को सिंचाई विभाग का अधिकारी बताया स्थानीय कर्मी ने भी जाने अनजाने में चोरी में मदद की अब एफ दर्ज हुई है तो अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले महंगाई के ऊपर तो फिलहाल अभी जो नींबू का रेट है वो साढ़े तीन सौ से भी ऊपर पहुंच चुका है और जो सिलेंडर एलपीजी गैस है वो भी सबसे महंगा जो खरीद रहे हैं वो भारत के लोग खरीद रहे हैं तो मैं आपको उसी से के रिगार्डिंग ए बी पी न्यूज़ ने यह सर्वे किया है कि सबसे ज़्यादा महंगा सिलेंडर जो है वो इंडियन ख़रीद रहे हैं दुनिया में सबसे महंगी एल पी जी खरीद रहे हैं भारत के लोग आप ये देख सकते हो और आप एल ए बी पी न्यूज़ के वेबसाइट पर जाकर भी ये पढ़ सकते हो आर्टिकल है तो गाइज आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं इसी किसी बढ़िया वीडियो में जय हिंद